लक्षण जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अक्सर 70-75% महिलाओं को ये प्रेगनेंसी के लक्षण देखने को मिलते हैं, वो एक्सपीरियंस करती हैं। ये लक्षण तो अक्सर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, काफ़ी ड्रामेटिक है कि जब एक महिला उपकाई ले रही है या बिल्कुल ओके आवाज़ कर रही है, उल्टी करना चाह रही है, इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसा होता भी है, अक्सर प्रेगनेंसी का नाता उल्टी से जोड़ा जाता है, उपकाई से जोड़ा जाता है। इसके पीछे कारण होता है एक हार्मोन्स का, जैसे जैसे वो हार्मोन्स बढ़ने लगता है ये उल्टी मतली की समस्या आने लगती है। तो 70-75% महिला कम नहीं होती है, अक्सर इतने तादाद में प्रेगनेंसी के लक्षण उनको मिलते हैं। शायद ही बहुत कम महिलाएं ऐसी होंगी जिनको उबकाई एक बार भी नहीं आया हो प्रेगनेंसी में, बहुत ही कम रेयर केस ऐसा पाया जाता है कि एक बार भी उबकाई नहीं आया हो या एक बार भी उल्टी उनको नहीं आया हो प्रेगनेंसी में, लेकिन इतने तादाद में महिलाओं को उल्टी आती ही आती है। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन भी जब होता है, यानी कि कह लें कि ओवुलेशन के बाद, संपर्क के बाद जो निषेचन होता है, एग और सेल का मिलन होता है, तो उस वक्त भी कई महिलाओं को उबकाई जैसी समस्या होती है, उबकाई आता है। ठीक है, देह थोड़ा, उनका शरीर थोड़ा भारीपन महसूस होता है, खासकर पेट का एरिया भारीपन महसूस होने लगता है, तो उस वक्त भी उबकाई आता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो उस वक्त भी उबकाई आती है, लेकिन जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन है वो बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो बढ़ने लगेगा, इस हार्मोन्स के कारण भी कह लें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण भी कह लें, कि महिला को उबकाई आने लगता है, उल्टी आने लगता है। दूसरा कारण होता है प्रेगनेंसी का स्ट्रेस ज़्यादा लेना, क्योंकि मूड स्विंग्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं उस वक्त, मूड्स काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं, हार्मोन्स जैसे इम्बैलेंस होते हैं वैसे मूड्स भी ऊपर नीचे होने लगते हैं, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण भी आप देखोगे कि जब आप ज़्यादा रोने लगते हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हो, तो आपको उबकाई आने लगती है। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाने के कारण, प्रेगनेंसी की वजह से कह लें या प्रेगनेंसी की सोच की वजह से कह लें कि प्रेगनेंसी के बारे में आप स्ट्रेस ले रहे हो, उस वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है लेकिन आपको पता नहीं है, और स्ट्रेस आपका बढ़ते जा रहा है, इस वजह से आप पैनिक होने लगते हो, तो इस वजह से भी उबकाई होने लगता है। तो इस वजह से भी, और साथ ही पाचन क्रिया का कमज़ोर होना, क्योंकि ऑयली स्पाइसी फूड अगर आप खा लेते हो तो पाचन क्रिया उस वक्त जो है कमज़ोर रहती है, धीरे धीरे काम करती है, तो इस वजह से भी उबकाई या उल्टी की समस्या होती है। कई बार आप ऐसी चीज़ें खा लोगे पूरा के पूरा वॉमिट कर दोगे उस वक्त, तो इस वजह से, कमज़ोर होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम का उबकाई और वॉमिटिंग की समस्या होती है। ये आपके पहले महीने से ज़्यादा 4 या 5 महीनों तक रह सकता है। रेयर कैसा होता है, रेयर केस ही ऐसा होता है कि 9 मंथ तक चलता है बहुत सारी महिलाओं का, लेकिन अक्सर ये 4 से 5 महीने या 3 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। इसके लिए जब उल्टी या उबकाई आए तो क्या करना है, आप नींबू पानी का सेवन कीजिए, नींबू पानी से उबकाई उल्टी को कम किया जा सकता है। अदरक वाली चाय पीजिए, इससे भी उबकाई को कम किया जा सकता है। संतरे का सेवन कीजिए, नींबू का, मौसम्मी का सेवन कीजिए, इससे उबकाई को कम किया जा सकता है। तो ये जो खट्टे फल हैं अगर आप खाती हैं तो उबकाई और उल्टी की समस्या से आपको समाधान मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि परहेज भी करना है किसी चीज़ को, जैसे कि जंक फूड्स को कम करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल पाए जाते हैं, मसाले पाए जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर को कम करना है। नींद पूरी अच्छे तरीके से लेना है, पानी खूब पिए, इससे एमनियोटिक फ्लूड को भी बनने में मदद मिलता है। तो इस तरीके से आप इस प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को अगर एक्सपीरियंस कर रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।